एनटीपीसी फरक्का द्वारा 2100 मेगावाट सुपर थर्मल पावर स्टेशन की वर्ष 1981 में स्थापना से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सामाजिक विकास की नई ज्योति से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का नया उजाला आया। एनटीपीसी द्वारा बड़े पैमाने पर सामुदायिक भावना से ओतप्रोत सीएसआर योजनाएं लागू की गईं। महिला एवं युवा सशक्तिकरण के लिए रोजगार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेक्स होल्डर हैं और करीब 147 विलेजेस के सुख दुख में ये एनटीपीसी एक भागीदार है। उनकी चाहे कोई भी आवश्यकता हो, विपत्तियाँ हो, डिजास्टर हो, चाहे कुछ भी तरह की परेशानियां हो, एनटीपीसी इज द ओनली होप। स्वरोजगार के रूप में सिलाई कढ़ाई, रेडीमेड वस्त्र और ड्रेस मेकिंग महिलाओं के लिए अतिरिक्त समय में परिवार की आय बढ़ाने का प्रमुख साधन बनकर उभरे हैं। मेरा डेली का रोजगार 250, 200, किसी दिन 300 भी पार किया जाता है। एनटीपीसी থেকে আমি অনেক সেলাই শিখে সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। एनटीपीसी द्वारा कौशल विकास के माध्यम से युवा पीढ़ी को करियर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। आमी एखाने एनटीपीसी থেকে বিউটিশিয়ানের ট্রেনিং নিয়েছি। ট্রেনিং নিয়ে আমি পার্লারে জব করতে চাই। জব করে তারপরে পার্লার খুলবো। फूड प्रोसेसिंग, खिलौने और जूट की कलात्मक वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं के लिए घर पर ही रहकर आमदनी बढ़ाने का साधन बन गया है। युवाओं को मोबाइल की मरम्मत, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन, हेल्पर, मोटर ड्राइविंग आदि में निरंतर प्रशिक्षित किया जा रहा है। मैं पहले बेरोजगार था, इसके बाद एनटीपीसी ने यहाँ मोबाइल का ट्रेनिंग दिया 6 सप्ताह के लिए। उसमें मैंने ट्रेनिंग लिया और अपनी छोटी सी दुकान खोला मोबाइल का, और उसके साथ मैं ऑनलाइन का भी काम करता हूँ, जिसमें मेरा अच्छा इनकम भी हो रहा है, 250-300 तक हो जाता है। एनटीपीसी सीएसआर योजना की वजह से कूड़ेदान और शौचालय के निर्माण एवं पीने के पानी की सुविधा से स्कूल के बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिला है। विद्यार्थियों को स्कूल बैग, वाटर बॉटल और स्वेटर, सोलर लैम्प, मेरिट स्कॉलरशिप आदि की सुविधाएं निरंतर प्रदान की जा रही हैं। एनटीपीसी के सद प्रयास से मोबाइल हेल्थ क्लिनिक द्वारा ग्रामवासियों, वृद्ध और अशक्त लोगों तक पहुंचकर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मोतियाबिंद कैंप, स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य चिकित्सा सुविधाएं आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। एनटीपीसी अस्पताल की सुविधाओं का लाभ ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र में अच्छी सड़कें नहीं थी। एनटीपीसी द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा पूर्वक संपर्क के लिए बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का कार्य किया गया है। ट्राईसाइकिल, कृत्रिम उपकरण और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कार्यकलापों ने इन लोगों के जीवन में नई रोशनी भर दी है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कठिनाई में पड़े लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाना एनटीपीसी का धर्म बन गया है। पिछले वर्ष भारी वर्षा में फरक्का के आसपास के सैकड़ों घर गंगा नदी में बह गए थे। एनटीपीसी ने प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता सामग्री प्रदान की। इसके साथ ही गांव की बह गई भूमि एवं ढलान वाले क्षेत्रों को राख से भरने का पुनीत कार्य भी किया जा रहा है। एनटीपीसी फरक्का के उदिता लेडीज क्लब द्वारा गांवों में महिलाओं, अनाथ बच्चों, टीबी रोगियों के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। एनटीपीसी द्वारा स्थानीय स्कूली बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके बीच प्रतियोगिता तथा दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कूद गतिविधियां निरंतर आयोजित की जा रही हैं। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के फुटबॉल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय प्रतियोगिता एवं विशेष कोचिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। पिछले 2011 से 17 तक हमने 80 करोड़ रुपए का सीएसआर का काम किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो, सोलर लाइट की स्थापना हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इनके बावजूद ये सब काम चल ही रहे हैं।
इसमें जो भी नियमित आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावे हमारी जो दिशाएं हैं वो उन नवयुवकों को रोजगार की तरफ मोड़ना है ताकि वो स्वावलंबी हो सकें, देश का भविष्य अच्छा हो सके। NTPC फरक्का सामाजिक विकास के लिए कृत संकल्प है। NTPC फरक्का केवल एक विद्युत परियोजना ही नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने और उनके साथ जुड़ने का एक माध्यम भी है ताकि आसपास के क्षेत्रों में सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके।